हैं कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया, बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि तीन बार का एमएलए बाबा सिद्दीकी उसको गोलियां मार देते हैं, छह छह गोलियां मारते हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ शिंदे, बताओ फडणवीस, कैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई? अरे बताओ अजीत पवार, वो तो तुम्हारी पार्टी का था, तुम अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बचा सकोगे तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? नहीं नहीं, हम इतने दिन में पकड़ के दिखाएंगे। किसको पकड़े तुम, कहां है पकसल करने वाला? तो हर दो दिन को मीडिया में आता, पुलिस वहां गई, पुलिस यहां गई, पुलिस वहां गई। अरे क्या महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी काबिल पुलिस है? महाराष्ट्र के पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मगर क्योंकि मोदी का राज है इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस को कमजोर करके रख दिया गया। और इसी कमजोरी की वजह से आज आप देखते हैं कि जुल्म पे जुल्म हो रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है। बाबा सिद्दीकी को क्यों क्यों मारा गया, किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोलता है कोई जेल में बैठा है उसने मार दिया, कोई बोलता है नहीं वो फुला झगड़ा था उसने मार दिया। अरे सवाल ये पैदा होता है कि मारने वाले के पीछे दिमाग किसका है, वो दिमाग कौन है? तो बोलेंगे नहीं नहीं हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।